आज के एपिसोड में मैं नेहा आप सभी को काला जामुन बना के दिखाऊंगी। ये मैं बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप सभी अपने घरों में हमारे इस काले जामुन की रेसिपी को जरूर बनाएं, और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे न्यू रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, नेहा अनुज की रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज नेहा आप सबको काला जामुन बना करके दिखाएगी। ये काफी इजी मेथड से बनाएगी और ये खाने में उतना ही टेस्टी होगा। हमें इसके बारे में उतना बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काला जामुन हमारे बीच में काफी फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं काला जामुन बनाना। काला जामुन बनाने के इंग्रेडिएंट: 1 लीटर दूध छेना फाड़ने के लिए, 150 ग्राम इंस्टेंट खोया। मैंने अपने पिछले एपिसोड में इंस्टेंट खोया बताया हुआ है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। 1 कप चीनी, मैदा 1/4 कप, इलायची पाउडर 1 छोटा चम्मच, 5 बादाम कटे हुए, 5 पिस्ता कटे हुए, 5 काजू कटे हुए, 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 4 से 5 धागे केसर के, जिसे हमने गर्म पानी में डाल के रखा है, विनेगर 4 बड़े चम्मच, 2 कप पानी। सबसे पहले हम छेना फाड़ेंगे, जिसके लिए हम दूध को उबालेंगे। उबाल आने तक इसको बीच बीच में चलाते रहें, ताकि इस पे मलाई ना बैठे। इसमें उबाल आते ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप देख सकते हैं दूध में उबाल आ गया है। हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे एक बार करछी से चलाएंगे। इसे फाड़ने के लिए हम इसमें विनेगर डालेंगे और इसे मिला देंगे। देखिए, पानी एकदम हरा हो चुका है और जो हमारा छेना है वो बहुत अच्छे से फट गया है। हम इसे छान लेंगे, जिसके लिए हमने एक सूती कपड़ा लिया है, एक स्टेनर लिया है और एक बर्तन लिया है पानी निकालने के लिए। हम इस सूती कपड़े को स्टेनर पे रखेंगे और छेना और पानी को इसमें डाल देंगे। और साथ ही में ठंडे पानी से इसे धोएंगे, ताकि इसमें जो खट्टापन है वो निकल जाए। कपड़े को चारों कोने से पकड़ के इसमें जो बचा हुआ पानी है वो निकाल देंगे और फिर इसे बांधकर आधे घंटे के लिए लटका देंगे, ताकि इसमें जो पानी है वो निकल जाए। आधा घंटा हो गया है, छेना से पानी निकल चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। हम इसे एक बड़े प्लेट में निकाल लेंगे। आप इसे स्लैब पे या किसी बड़े प्लेट में निकाल के उस पे रख के इसे मैश कर सकते हैं। इसे अच्छे से मैश करना है, जब तक कि ये चिकना ना हो जाए। हाथ के इस भाग से इसे मैश करेंगे और इसे अच्छी तरह चिकना करेंगे। इसे इतना चिकना करना है कि जब आप डो बनाएं तो इसमें दरारें ना दिखें। छेना अच्छे से मैश हो गया है, हम इसमें खोया डाल देंगे। और खोया और छेना को अच्छे से मिला देंगे और इन दोनों को एक साथ अच्छे से मैश करेंगे। खोया और छेना मिल गया है, हम इसमें मैदा डालेंगे। और इसे भी अच्छे से मिला देंगे।
ये अच्छे से मिल जाने के बाद हम इसमें एक पिंच बेकिंग सोडा डालेंगे, फिर इसे अच्छे से मिलाएंगे। और इसमें एक बड़ा चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ड्राई है तो हम इसे गीला करने के लिए इसमें एक बड़ा चम्मच पानी का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसे मिला के सॉफ्ट डो बनाएंगे। हमारा डो तैयार है। एक बाउल में सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे, पिस्ता, बादाम, काजू। हम काला जामुन के अंदर स्टफिंग के लिए थोड़ा सा डो लेंगे और इसे ड्राई फ्रूट्स में डाल के मिला देंगे और इसमें केसर वाला पानी डाल देंगे। इससे कलर अच्छा आएगा, ये खाने में अच्छा लगेगा और देखने में भी बहुत सुंदर दिखेगा। फिर इस स्टफिंग को अच्छे से मिला देंगे। काला जामुन बनाने से पहले हम उसकी चाशनी तैयार कर लेंगे और तेल को भी गर्म होने के लिए छोड़ेंगे। हमने एक तरफ कढ़ाई को गर्म कर लिया है, उसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल को पूरी तरह से गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। चाशनी के लिए हम एक पैन में चीनी डालेंगे और पानी डालेंगे। हमने एक कप चीनी ली है और दो कप पानी का इस्तेमाल किया है। तेल को पूरी तरह से गर्म होने देंगे। चीनी पानी में पूरी तरह घुल जाने तक हम इसे हाई फ्लेम पे ही रखेंगे और साथ ही में इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं, जिसमें हम स्टफिंग के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। थोड़ा सा स्टफिंग लेंगे, उसको अपने हथेलियों के बीच में रखेंगे और घुमा के बॉल के शेप का बनाएंगे। हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग तैयार है। हम थोड़ा सा डो लेंगे, इसको हथेलियों के बीच में रख के गोल करेंगे। फिर इसे उंगलियों से दबा के चपटा कर देंगे, पेड़े का आकार देंगे और इसके बीच में जो हमारी स्टफिंग के लिए हमने बॉल्स बनाए थे वो बॉल्स को रख देंगे और फिर किनारे किनारे से दबा दबा के उस स्टफिंग को ढक देंगे और उसे हाथों से गोल कर देंगे। जैसे आप कोई भी पराठा बनाते हैं उसमें जब स्टफिंग भरते हैं और फिर उसे पूरी तरह से ढक के गोल कर देते हैं, उसी प्रकार आपको ये काला जामुन भी बनाना है। इसी प्रकार हम बाकी सारे बॉल्स को भी बनाएंगे। बॉल्स हमारे तैयार है फ्राई होने के लिए और चाशनी भी तैयार हो चुका है। चीनी पूरी तरह पानी में घुल गया है। हम फ्लेम को कम कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे।
और साथ ही में ऑयल भी गर्म हो चुका है। हम फ्लेम को लो कर देंगे। हम इसमें बॉल्स को फ्राई करेंगे। बहुत ही आराम से बॉल्स को ऑयल में डालें और फिर ही बॉल्स को फ्राई करें। हमने एक बार में 5 बॉल्स को डाला है। एक बार में ज्यादा बॉल्स को भी डाल सकते हैं, पर कम कम करके डालें, इससे बॉल्स टूटेंगे नहीं। बॉल्स को पलटते रहें ताकि ये हर तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। और पलटने के लिए आप किसी भी स्पून का इस्तेमाल करें, इससे बॉल्स टूटेंगे नहीं। आप देख सकते हैं हमारे काले जामुन फ्राई हो चुके हैं। हम इन्हें डायरेक्ट चाशनी में डाल देंगे। फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब हमने काला जामुन चाशनी में डाला था उस वक्त तक फ्लेम ऑफ नहीं किया था। हमने काला जामुन चाशनी में डालने के बाद फ्लेम को ऑफ किया है। इन्हें हम ढक के छोड़ देंगे। इन्हें 2 घंटा चाशनी में डाल के छोड़ दें और 2 घंटे बाद ही सर्व करें। तब तक हम बाकी बॉल्स को भी फ्राई कर लेते हैं और फ्राई होने के बाद इन्हें भी चाशनी में डाल देंगे। दो घंटा हो गया है, हम ढक्कन को हटाएंगे। देखिए मेरा काला जामुन कितने अच्छे से बन गया है। मैं एक उठा के दिखाती हूँ आपको, ये कितना अच्छा दिख रहा है। अभी तो ये बहुत गर्म है। आप चाहे तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या फिर इसे फ्रिज में रख के ठंडा करके खाइए। हम इसे एक बॉल में सर्व करेंगे, फिर थोड़ा बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे। मेरा काला जामुन तैयार है। आप सभी अपने घरों में हमारे इस काले जामुन की रेसिपी को जरूर बनाएं। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारी रेसिपी के नीचे लाइक बटन को क्लिक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे न्यू रेसिपी के अपडेट्स मिलते रहें।